उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर बीते 4 सालों में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए गोंडा जिला पंचायत में आयोजित किए गए कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं संघ विभाग सहकारी राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार तिवारी पहुंचे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी, सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह, विधायक महनौन विनय कुमार द्विवेदी के अलावा अन्य विधायक व अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद है। वहीं सरकार की तरफ से राज्य मंत्री स्तर वीरेंद्र कुमार तिवारी ने 4 साल विकास कार्यों के किताब का विमोचन किया और योगी सरकार के 4 साल के काम काज को दमदार व बेमिसाल बताते हुए सरकार की योजनाएं गिनाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उन्हें मानसिक विक्षिप्त और पागल करार दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि वह तनाव में है, अपने पूज्य पिता की मेहनत की कमाई का लाभ उन्हें 2012 में मिल गया था। जनता ने उन्हें 5 साल का मौका दिया लेकिन उनके राज के दौरान अपराध चरम पर। गोंडा जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने राज्य की योजनाओं व उनके काम काज व्यवस्था को जनपद में लागू कराए जाने का ब्यौरा देते हुए सरकार के विभिन्न योजनाओं की सफलता व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने एवं उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर NRLM के माध्यम से उन्हें अपना विकास करने का मौका दिया। वीरेंद्र कुमार तिवारी ने योगी सरकार के 4 साल के कामकाज, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई व सरकार की योजनाओं की सफलता व उनसे जनता को पहुंचने वाले लाभ का जिक्र करते हुए योगी सरकार के कार्यकाल को 4 साल विश्वास के प्रगति के करार दिया है और प्रदेश सरकार की तारीफों के पुल बनाते हुए दिखे। भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 4 साल विश्वास के, प्रगति और विकास के ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जो 4 साल में विकास कार्य किए गए हैं उसका ब्यौरा पुस्तिका के माध्यम से, फर्जी बातें नहीं की जा रही हैं। अखिलेश यादव तरह अनर्गल ट्वीट कर देना, अपने समय को भूल जाना, अपने पिता की कमाई के परिणाम स्वरूप 2012 में मुख्यमंत्री बन गए, जनता विश्वास पैदा करके 5 साल में उनकी कलई खुल गई। अपराध चरम पर था, हत्या अपहरण का बोलबाला था, अब बौखलाहट में उनकी जमीन की शक्ति नजर आ रही है। लाभकारी योजनाओं का लाभ पाने के कारण प्रदेश की जनता प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, योगी सरकार को शुभकामनाएं दे रही है। तो उससे बौखलाहट में आकर के अनलगल बयानबाजी करते हैं। अखिलेश यादव देख रहे हैं आप लोग, मीडिया के लोग 12वें पेज पर कहीं 16वें पेज उनको छोटी सा स्थान दे रहे हैं, वो परेशान है। कानून व्यवस्था में अखिलेश ने कहा है दिन में रेप, रात को गांजा, ये देखना हो तो UP आ जा। बहुत जागरूक मीडिया बंधु लोग हैं, उस समय देखा 12 से 17 का कार्यकाल, गोंडा सहित पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर था, हत्यापन बलात्कार बोलबाला था, गुंडई हो रही थी, वसूली हो रही थी, विकास के नाम पर उनके लोग विकास हो रहा था। आज योगी सरकार में समाज के सभी वर्गों में विकास हो रहा है, चाहे चिकित्सा का मामला, चाहे स्वास्थ्य मामला हो, हर तरफ समान विकास की योजनाएं चल रही हैं। बौखलाहट में इसी बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि आपने जिस किताब का आज विमोचन किया है उसके पेज नंबर 66 पर आपने परसपुर ब्लॉक के राजापुर गांव में ये माना है कि यहां तुलसीदास गोस्वामी की जन्मस्थली है, माना है ना अपने किताब के माध्यम से, या नहीं माना मंत्री जी? जिला प्रशासन द्वारा चलिए जनप्रतिनिधियों के कार्य, जो सरकार के कार्य किए गए हैं उसका एक ब्यौरा पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसका मैंने लोकार्पण किया है, ठीक से पढ़ लीजिएगा। तमाम लाभकारी योजनाएं हैं, आपका ध्यान उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने कहा सरकारें, पिछली सरकारें आजादी बाद एक योजना शुरू करती उसका डंका पीटती थी, उसका लाभ मतदाताओं नहीं मिलता था। आज मोदी सरकार, योगी सरकार में सैकड़ों ऐसी लाभकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ पूरा सीधे लाभ मिल रहा है, उस तरफ ध्यान दीजिए। उसको पढ़ लीजिए, उसमें लिखा था आराम पढ़ लीजिए। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि उनकी ही योजनाओं को जो नाम बना करके योगी सरकार पेश कर दे, झूठ बोल रहे हैं अखिलेश यादव। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सब अखिलेश यादव शुरू किए हैं। कानपुर के मेट्रो अखिलेश शुरू की है, आगरा मेट्रो अखिलेश शुरू की गई है, सैकड़ों योजना पुस्तिका आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग भी जरा ठीक से प्रकाशित करिएगा तो उनकी कलई खुल जाएगी, क्या उन्होंने विकास किया है और क्या योगी सरकार विकास कर रही है। अच्छा, आज योगी सरकार समग्र विकास कर रही है, पूरे प्रदेश का, गोंडा जनपद का समग्र विकास शुरू हो रहा है। उनका कहना है ओनली टेलीविजन, नो विजन। सर, 84,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। बेटा ये राहुल गांधी ने कहा है कि देश में RSS कब्जा कर रही है, नियंत्रण कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर?
कौन कह रहा? राहुल गांधी कहते रहे कि देश में आरएसएस कब्जा कर रही है, अपना नियंत्रण बना रही है। राहुल गांधी कब क्या बोल रहे हैं पता लगता है, पूरा नोट तो आप मिस्टर निकल आएगा कब क्या बोलते हैं। सर गौरा विधानसभा 2 करोड़ की सड़क बनी और 15 दिन में टूट गई। सर 15 दिन में ये कलेक्टर सवाल पूछिएगा।